2012 में मैं जिस बूथ पे काउंटिंग करा रहा था उसी बूथ पे जगदीश सिंह लोधी कांग्रेस के एजेंट थे गिनती के, लेकिन मैं उस दुर्भाग्य को आज देख रहा हूँ कि आज भी हमारे जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता मर जाएगा लेकिन सर दलियों के नेतृत्व में नहीं आएगा। जो यदि पार्टी सत्ता में गेम साबित हुई, पार्टी कार्यकर्ता को अपेक्षित करने का गेम शुरू हो गया, क्योंकि पार्टी में पद रहेगा और पुराना कार्यकर्ता रहेगा तो वो पैसा नहीं देगा और न पद खरीदेगा, क्योंकि उसने अपनी एक मेहनत दे दी है। अब पार्टी की तुलना में पद भी नहीं देगा। साथियों, मैंने खुला चैलेंज है, अरे आप हमें निकालिए। हमने उन सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम किया है जिन्हें बाली जैसा वरदान था कि वो जिसके सामने खड़े हो जाए उनकी आधी ताकत कम हो जाती है। साथियों, इस सैदपुर जनपद की विडम्बना देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 2012 में मैं जिस बूथ पे काउंटिंग करा रहा था उसी बूथ पे जगदीश सिंह लोधी कांग्रेस के एजेंट थे गिनती के, इतनी बुरी लगी मैं और राजकुमार चुना आप सब जानते होंगे उसी पोलिंग बूथ पर आकर आगे बैठ गए। इन्होंने आकर कहा ऐसी किताब बना के सुनिए, मैं राष्ट्रीय पार्टी का एजेंट मैं आगे बैठूंगा, क्योंकि हम भी राष्ट्रीय पार्टी के एजेंट थे। हमने भी कहा कि मैं भी राष्ट्रीय पार्टी का एजेंट मैं आगे बैठूंगा, लेकिन ये गए युवाओं से शिकायत की, कहा जो चुनाव अधिकारी थे शासन के उनसे कहा। मैंने कहा भाई साहब आप मुझसे कह देते, मैं तो संस्कार पीछे बैठता था, मुझे गिनती करना, लेकिन मैं उस दुर्भाग्य को आज देख रहा हूँ कि आप हमारे जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता मर जाएगा लेकिन सर दलियों के नेतृत्व में नहीं आएगा। मैंने कह दिया है, मैं बार बार अपनी बात दोहराता रहूंगा, कार्यकर्ता आधे घर बैठ गए, आधे घर बैठ गए, आधे संघर्ष करेंगे, बूथ बूथ कर जाएंगे। मेरा कोई खेत खलिहान का झगड़ा नहीं है ना जगदीश भाई करते मिलते हैं, नमस्कार होती है, वे भी उमा जी के समर्थक है, मैं भी उमा, लेकिन अपनी राह अलग है। वे उमा जी के समर्थक सपा बसपा कांग्रेस में होते हुए रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहता हुआ उमा जी का समर्थक और उनका स्वागत उनसे अधिक मेहनत करी है। इस परिचय को अपन देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ। साथियों, जैसी पार्टी सत्ता में के मुताबिक हुई, पार्टी कार्यकर्ता को अपेक्षित करने का गेम शुरू हो गया, क्योंकि पार्टी में पद रहेगा और पुराना कार्यकर्ता रहेगा तो वो पैसा नहीं देगा और न पद खरीदेगा, क्योंकि उसने अपनी एक मेहनत दे दी है। अब पार्टी की तुलना तो में पद भी नहीं थे। साथियों, मैंने खुला चैलेंज है, अरे आप हमें निकालिए। हमने उन सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम किया है जिन्हें बाली जैसा वरदान था कि वो जिसके सामने खड़े हो जाए उनकी आधी ताकत कम हो जाती। उन सपा के खिलाफ 2014 में लड़ाई लड़ी जिनको देखकर यही जो भाजपा के तत्कालीन नेता है झाड़ में पकड़ लेते थे, बच्चों की चिंता में डाल देते थे सपा वाले, लेकिन हम लोग तो झड़े उसी बासी में, कहां हाथ कांप रहे थे लोगों के माजी की मीटिंग में। हम लोगों ने वो संघर्ष किया है, आप क्या निकालेंगे हमें, बड़ा चैलेंज है। अरे हम अपने जिले में योगी और मोदी मांग रहे थे लेकिन हमें मिले सरदली है, हम स्वीकार। ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन लहरपुर में उनने बताया कि साथ से सपा, बा से बसपा, कहां से कांग्रेस और सदनियों का विकास और कार्यकर्ताओं का उपवास हम नहीं सहन करेंगे। साथियों, इस बैठक को और बढ़ाएंगे, आगे बूथ बूथ पे जाएंगे। हमें संघर्ष की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि वो अधीन है, वो पद पर बैठे हैं, हमारे लिए लिखेंगे, अरे लिखेंगे तो पता तो चलेगा कि वहाँ मिट्टी वाली कोई कार्यकर्ता है। आपको बैठक में भी नहीं बुलाते हैं और बैठक में जाना भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कहा कि मैं पार्टी के बाहर से आए हुए कार्यकर्ता को कभी स्वीकार नहीं, नेता को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अरे पहले 5 साल काम कराइए ना इनसे, ये सपा के डर के मारे झाड़ियों में छुप जाते थे, जो भाजपा के नेता बने हुए, इनने बसपा का जूठन खाया, इनने कांग्रेस के हाथ में लाया और अभी हमारे नेता बन गया, हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में थे और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इसके लिए मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात निष्कासन की, तो उन्हें डराइए जो आपसे डर जाए, अमित भाई तो वैसे भी नहीं डरता, और हनुमान जी से यहाँ बैठे हैं इसलिए ये मंदिर का प्रांगण छोड़ा हम लोगों ने, कि
कि इनके सामने जो बात होगी वो प्रत्यक्ष और प्रमाणित होगी कि हम गलत है और तुम गलत हो। तुम यहाँ बैठिंग करके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें एहसास हो जाएगा इन 7 प्रदेशों में जो गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं चली गई, दुख हमें भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि पार्टी कार्यकर्ता को अगर तवज्जो नहीं मिलेगी तो वो काम क्यों करेगा। भाई हम कोई पेट वर्कर तो है नहीं जो हमें तनख्वाह मिल रही है। हम अपनी विचारधारा के लिए जान दांव पर लगा चुके हैं ललितपुर में विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन उसके बदले हम लोगों को क्या मिला? केवल और केवल अपमान। अरे अपमान के साथ साथ कार्यकर्ताओं को उल्टे सपा बसपा वालों से मिल गए। ये मैं ज्यादा शब्दों में अपनी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं मैंने उन्हें सबको अवगत कराया। और ये बुद्धि के भी विरोधी हैं। ये कार्यकर्ता में देख लेते हैं कि ये जीवित कार्यकर्ता है, उससे 3-4 काम कराते हैं, पुराने नागरा अध्यक्ष का आज तक पता नहीं है वो किस पद पे है, उसकी खबर नहीं लेते हैं। 3 साल मजदूरी जैसा काम कराते हैं, नोट कर लीजिए आप, 3 साल मजदूरी जैसा काम कराते हैं और फिर 3 साल बाद फिर उस कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। ये 5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी ललितपुर में जो पदे में इन प्रकार इन पदों पर बने हुए हैं और यही सारा व्यवस्था सारी वो इनके घर के दरवाजों पे 4 कार्यकर्ता नहीं मिलने वाले। केवल ये जो भी अपना बनाए हुए हैं वो बना रहे, हमें उससे नहीं है, लेकिन हमें अपनी पार्टी को बचाना है। साथ में हमारी पार्टी नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी पहचान मिली है, जितनी भी पहचान मिली है, ये किसी उसकी नाते नहीं मिली कि हम फलां ऐसे हैं या हम ढका के बेटा हैं। हमारा तो राजनीति में परिवार के लोग वोट देते रहे, जुड़े भी रहे, लेकिन कभी सक्रिय राजनीति में या पदेन राजनीति में चुनाव नहीं लड़े हैं। हमें एक ऐसे राजनीति में आए हैं जो घर से निकले और ज़्यादातर काम किया पार्टी के लिए। इसलिए साथियों हमें कोई डर नहीं है, हम तो सपा के खिलाफ भी काम करते रहे और बसपा के खिलाफ भी काम करते रहे और कांग्रेस के खिलाफ भी करते रहे। यहाँ सामंतवाद की इतनी बड़ी मढ़िया इतनी बड़ी कि सारे नेता वहीं हाजिरी लगाते थे, लेकिन हम हमारे जिलाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, हमने लगातार 3 साल महामंत्री पद को काम किया, लेकिन मैंने कोई पद नहीं मांगा। ये प्रदेश से ही जो मिला वो ग्रहण कर लिया। मुझे पद की नहीं है लालसा, ना मैंने कभी पद मांगा हो। पुराने 4-5 कार्यकाल के जिलाध्यक्ष जी देख लीजिए, मैं इतना ज्यादा आता रहा हूँ, मैंने कभी पद नहीं मांगा, लेकिन इस बार के निर्णय से मुझे इतना दुख हुआ। बहुत अनुशासन का पद मन में आया था कि मैं कभी पार्टी के में जो ये कहते हैं कि असमानी तत्व है, मेरे मन को ठेस पहुँची कि जिस पोलिंग बूथ पे मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी की हिंदी करा रहा था, उसी पोलिंग पे जगदीश बाबूजी 2012 में हमारे कांग्रेस की टिकट करा रहे थे और वो हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है और आएगी जाएगी, लेकिन हमारे सामने हमारा भविष्य है। हम अपने आने वाले कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे कि जैसे ही 20 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 15 साल में वापसी हुई है, कांग्रेस तो लगातार वापसी करती रहती है, लेकिन भाजपा अधिक दिनों में सत्ता में क्यों नहीं रहती? इसके भी हमें कारण खोजने पड़ेंगे कि हम भी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन हम जल्दी सत्ता से बाहर क्यों हो जाते हैं? हमें ये भी कारण खोजने पड़ेंगे। साथियों दल बदल की राजनीति उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बन चुकी है। जो भी बहुसंख्यक जातियों के लोग हैं वो अपने हिसाब से जातियां और चुनाव के पहले भारी दल बदल कर देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनता है तो सारे जनों को छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन उस कार्यकर्ता की मेहनत को आप अनदेखा नहीं कर सकते जिन्हें 2004 के बाद भाजपा को खुद कटवा से खींचने में अपना पूरा सर्वोच्च निछावर कर दिया, यहाँ तक कि जान डाल रहे कार्यकर्ता तो मारे गए। सपा बसपा के संघर्ष में कई कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई, हमें वो भी याद है साथियों कि हमारे भी सर फूटे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष रहे मोर्चा के, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारा खुद सर फटा था, लेकिन हम सब बातों को हम शब्दों में कह दिया है, अंदर पीड़ा है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन मंच अब लोग कहते हैं कि उचित मंच कहाँ है। अरे हमें बता दो, वो उचित मंच बताया है किसी नेता ने कि इस मंच पे आकर आप अपनी बात करिए?
मजबूरन हमें मजबूर कर दिया चारों तरफ से इस पार्टी ने यहाँ बैठक करने के लिए। इस खुले परिवार की बैठक कमरे के अंदर होती है, कभी कभी बात की है आपने, बुलाया है कभी कि आइए यहाँ बैठिए। किसी कार्यकर्ता का सुख दुख ज्यादा है, आपके दरवाजे पे दो लोग नहीं जाते हैं, आपके दरवाजे का ही जाए सत्ता में भी दो लोग नहीं जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ उन नेताओं के जिनके घर दो लोग नहीं जाते हैं, सत्ता में भी नहीं जाते। हमारे यहाँ तो 10-25, 25-50 कार्यकर्ता सुबह शाम आते रहते हैं अपनी पीड़ा सुनाने, और हम उनकी सुनते भी हैं, वो हमारी भी सुनते हैं, और हम जितना बन पड़ता है सहयोग करते हैं। हम कार्यकर्ताओं के पुराने कार्यकर्ताओं के लिए फोन नहीं करते हैं। सपा बसपा का भी कोई सपा बसपा का अगर इलाज के लिए कोई आ जाए, ऊपर नहीं बेचा हमने केंद्रीय विद्यालय का, अगर कोई सपा बसपा का भी कोई काम के लिए केवल स्वास्थ्य के लिए, और उनकी कोई ऐसी भारी संकट है और जानकारी है तो हम उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन राजनीति वो अपने दल की करते हैं, हम अपने दल की करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गोद में बिठा लिया, अपना नेता बना लिया, ऐसा नहीं है। इसके हम खिलाफ हैं, हम सरगर्मियों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कम शब्दों में कह रहा हूँ कि जरूरत पड़ी तो हम इसको सड़क पर ले जाएंगे आंदोलन, और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास के सामने भी धरना देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से मौखिक बताए हैं, और अब जाकर साथ ले जाकर रहेंगे, जितनी कोशिश है कर सकेंगे। लेकिन इस निर्णय को आपको पलटना होगा, ये निर्णय कार्यकर्ता के अहित में है, अहित में है। मैं कम इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी।